हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की। तो जो हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी है वो है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू रख के भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका हम देखना चाहें कि आइडेंटिटी सही है कि नहीं है, तो कोई भी वैल्यूज रख लो ए बी की, तो ये उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बार बार इक्वल ही आएगा। ठीक, एक बार रख भी लेते हैं। तो ए को हमने 2 कंसिडर कर लिया, बी को 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये 2 माइनस 1 लेफ्ट, और 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरफ हो गया ये 1 इंटू 3 इक्वल टू 4 माइनस 1, तो ये 3 इक्वल टू 3 हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई भी ए बी की वैल्यू के लिए हमेशा सही होने वाला है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो ये a इंटू ए प्लस बी हो गया। एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार b को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर। ठीक, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का ए बी प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक, जो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इसको भी हम वैल्यू रख के भी प्रूफ कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इसके प्रूफ पे आते हैं। ठीक, तो इसकी जो लेफ्ट साइड है इसी को हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे और ये सॉल्व होगी, यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर हमने इंटू कर दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बी प्लस ए एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स कॉमन है, तो एक्स को कॉमन रख लेंगे और ए प्लस बी ब्रैकेट में आ जाएगा। आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में, क्योंकि वैल्यूज चेंज नहीं होती है, प्लस ए बी। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। ठीक, अब इसी आइडेंटिटी का वेरिएशन भी होता है। ठीक, अब यहां पे अगर माइनस है, तो यहां पे अगर नेगेटिव साइन है, तो यहां पे क्या होगा, बस यहां पे ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी आइडेंटिटी ऐसी की ऐसी रहने वाली है। ठीक है, सेम इसको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की, जो है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसको भी हम वैल्यूज रख के भी चेक कर सकते हैं। ठीक, और बाकी वैसे भी प्रूव कर ही सकते हैं जैसे हम करते हैं आगे। तो पहले एक बार वैल्यू रख के इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया 3 का क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6 इंटू 3। तो 3 का क्यूब हो गया 27, 1 प्लस 8 प्लस 18, तो ये इक्वल टू हो गया 27 और ये 27, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक, तो जो इसकी लेफ्ट साइड है उसी को हम एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक, तो लेफ्ट साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ए प्लस बी का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, तो एक बार इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको फिर फाइनली इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और साथ में हो गया ये a प्लस बी। ठीक, अब इस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, ये और ये वैल्यू सेम है, तो 3a स्क्वायर b प्लस ये और ये वैल्यू सेम है, तो ये 3ab स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इसमें से 3ab दोनों में कॉमन हो गया, इन दोनों में, यहां से बचा a प्लस बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी ऐसे प्रूव हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो इसी फॉर्मूले का एक और वेरिएशन होता है उसको भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ माइनस में है, ठीक है, और ये इसकी जगह वैल्यू जहां पॉजिटिव थी वहां पे ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको भी देख सकते हैं, उसको सिमिलरली सेम वैसे ही इसको प्रूव करेंगे, ठीक। तो मैं स्किप कर रहा हूं उसको, तो बात करते हैं अब अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की, जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो इसको भी प्रूव करने के लिए वैल्यूज रख के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम नहीं कर रहे उसको, ठीक है, क्योंकि वो तरीका मैं बता चुका हूं कि कैसे वैल्यूज रखनी है और उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक। हम डायरेक्टली इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हम आते हैं जो हमने इससे पहले आइडेंटिटी प्रूफ करी है, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब हमने क्या पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको मैं और फर्दर अगर खोल के लिख लूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसको लिख सकते हैं थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहीं से ये वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये बाकी जो वैल्यूज हैं उसको इधर लेके माइनस कर लेते हैं। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब वो वैल्यूज इधर आ गई, तो माइनस का थ्री ए स्क्वायर बी और माइनस का थ्री ए बी स्क्वायर हो गया, और इधर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इन दोनों में कॉमन हो गया, तो यहां ब्रैकेट में बचा a प्लस, क्योंकि ये माइनस साइन यहां कॉमन आ गया, b इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर इसमें आप आगे फर्दर देखूं तो इसमें a प्लस बी कॉमन आ जाएगा एक बार, तो यहां बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं अंदर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये माइनस का थ्री ए बी हो गया, ठीक। तो यहां पे ये वैल्यू हो गई ए प्लस बी, और ये सॉल्व होके हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे माइनस का ए बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी ऐसे करके प्रूव हो जाएगी। सिमिलरली हम इस वाली आइडेंटिटी को भी प्रूव कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वहां पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का है साइन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो इसको भी सिमिलर वे में वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने पिछली आइडेंटिटी को अभी प्रूव किया, ठीक। तो हमने ये सारी आइडेंटिटीज पढ़ी आज, ठीक है। तो इनको आप कैसे याद रखना है ये बताता हूं मैं। तो यहां पे आपको दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर रिलेशन तो नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं कि जहां पे भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है, और वही दो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, और बीच में साइन माइनस का लगाएंगे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस या प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक। तो आप दूसरी वाली आइडेंटिटी को देखते हैं तो इसमें कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है, तो इसलिए आप क्या करो, इसको ऐसे का ऐसे ही याद कर लो, ठीक, और फिर इसके बेसिस पे जो थर्ड वाला जो आइडेंटिटी है उसको याद रख सकते हैं, ठीक। तो यहां पे जो ये फॉर्मूला बन रहा था, ये यहां पे प्लस की वैल्यूज थी तो ये आइडेंटिटी बन रही थी, तो अब यहां पे प्लस को रिप्लेस करके नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो यहां पे जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसकी जगह नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से इन दोनों को आपस में एक को याद कर लेना, उसके हिसाब से दूसरे को रिलेट करके याद रख लेना, ठीक। तो आप बात करते हैं क्यूब वाली आइडेंटिटी की, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान ये रखना है कि इसकी पावर थ्री है, तो पूरे आइडेंटिटी में थ्री जो नंबर हम यूज करेंगे वो नंबर थ्री यूज होगा, चाहे उसको हम पावर में यूज कर रहे हैं चाहे उसको सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई में यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पे पहले नंबर का क्यूब, दूसरे नंबर का क्यूब, और फिर थ्री टाइम्स इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, और इन्हीं दोनों नंबर को ऐड करके लिख लिया, ठीक है। तो इनको आपस में फिर मल्टीप्लाई में लिख लिया, ठीक, ऐसे करके इसको याद रख लेंगे। फिर अगर प्लस वाला हमने याद रख लिया है तो नेगेटिव वाले को और आसानी से इसके साथ रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक। अब प्लस वाले में हर जगह प्लस की वैल्यूज है और नेगेटिव वाले में हर जगह नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक है।
तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, तो जो पहली ब्रैकेट में वैल्यू है वो प्लस वाली होगी, ठीक है, और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वहां पे वो प्लस में ही रहेगा दोनों वैल्यूज में, और इधर जो लास्ट ए दी है जहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है वो नेगेटिव है, ठीक। तो यहाँ क्या रखना है कि जब प्लस वाला वैल्यू रखेंगे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे, तो जो पहले ब्रैकेट में वैल्यू है वो प्लस वाला साइन आएगा, और इस जो दूसरे ब्रैकेट में जहां पे इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे नेगेटिव हो जाएगी वो वैल्यू, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे माइनस वाले में क्या ध्यान रखेंगे, पहले वाले ब्रैकेट में माइनस की वैल्यू आएगी ए माइनस बी, और जहां पे दूसरा ब्रैकेट है जहां पे इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे वो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके हम इन आइडेंटिटीज को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट।